एक मैदा है, ये मैदा है और ये कॉर्नफ्लावर है। ओके, मैदा और कॉर्नफ्लावर मिक्स करेंगे। चलो ठीक है, हिसाब से लेने का, हिसाब से। ये आपने एक आधी मुट्ठी ली है मैदा, आधी मुट्ठी मैदा, थोड़ा सा कम लेने का उसे मैदा, मैदा कम रखेंगे, कॉर्नफ्लावर ज्यादा। बस नमक लेना पड़ेगा हिसाब से। ओके, ये नमक लिया, नमक, व्हाइट पेपर, व्हाइट पेपर डाला है, उसके बाद एरोमेटिक पाउडर हिसाब से, ये एरोमेट पाउडर है। ओके, एरोमेट पाउडर जो हमने पहले भी दिखाया था आपको, या तो आप कोई भी और चाइनीज टेस्ट मेकर आप यूज कर सकते हैं, अलग अलग ब्रांड्स के। अच्छा से मिक्स करने का पहले, और ये देखिए ऐसा गाढ़ा पेस्ट बनाना है। और ये कितना पनीर लिया आपने? 10 पीस है, 10 पीस पनीर है। ओके, मीडियम साइज पनीर, उसके बाद पनीर डालने का है। ओके, इसे डिप करिए पनीर को। We are making the veg. Veg manchurian dry. Yeah, paneer manchurian dry. इसके बाद मिक्स करने का है, मिक्स करके तेल में फ्राई करने का है। ओके, इसको मिक्स करिए और फिर इसको आपको तेल में फ्राई करना होगा। अभी तेल कितना गर्म हुआ पहले चेक करना चाहिए, ज़्यादा गर्म हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप, तेल बराबर गर्म है, अभी छोड़ सकते हैं पनीर। ओके, सो मीडियम फ्लेम पे तेल फ्राई करना। मीडियम फ्लेम पे आप इसे फ्राई करेंगे। कितने देर तक ये फ्राई करना होगा? ये 5 मिनट के अंदर हो जाएगा। पाँच मिनट के अंदर हो जाएगा, क्या बात है, लवली। ओके, सो ब्राउनिंग हो रहा है, नाइस। सो गाइज, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप यही कोटिंग में चिकन के पीसेस डाल सकते हैं, बॉइल्ड चिकन के पीसेस, उसे आप डीप फ्राई करके आप आराम से चिकन मंचूरियन बना। जब तक ये फ्राई हो रहा है हम आपको बता रहे हैं, वेज गोविंदा वेज स्ट्रीट के किचन में है हम, और बहुत धड़धड़ आवाज़ें आ रही हैं, देख सकते हैं आप लोग। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे हमारी और भी रेसिपीज हैं प्लेलिस्ट में, मेदू वड़ा है, पाव भाजी है, ताली क्यों मार रहे हो, अच्छा रोटी बना रहे हो, मेदू वड़ा है, पाव भाजी है, एंड यहाँ पे और भी बहुत सारी रेसिपीज हैं हमारे प्लेलिस्ट में, ज़रूर ट्राई करिएगा, करिए ज़रूर ट्राई, और शेफ आप करें पनीर फ्राई। अभी ये फ्राई हो गया है, अभी इसको निकाल देता हूँ। ये देखिए, तो अब मंचूरियन का जो पनीर है वो फ्राई हो गया है कोटिंग के साथ में। अब ग्रेवी जो है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये ग्रेवी ना के सिर्फ आप इस पनीर के साथ यूज़ करेंगे बल्कि चिकन और अलग अलग डिशेस हैं उसके साथ यूज़ कर सकते हैं। क्या 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 लगेगा बताइए सर, गो फॉर इट। ऑयल, गार्लिक लेने का है, गार्लिक, क्या बात है, जिंजर गया है, ओनियन, चॉप ओनियन, चॉप ऑनियन, मिर्ची डाल करने का है, हल्का सा मिर्ची हिसाब से, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है सर, नाम के लिए चिली पेस्ट स्टार्ट करने का है, हल्का सा चिली पेस्ट नाम के लिए, कलर भी आ गया चिली पेस्ट से। इसमें से पानी डालना पड़ेगा। ओके, ये स्टॉक वाटर है, आप सादा पानी भी ले सकते हैं। स्टॉक वाटर में क्या क्या था? इस वाटर में वेजिटेबल रहता है, वेजिटेबल ब्रॉथ है ना। ओके, जिसमें गाजर और आई थिंक कैबेज। ओके, अदरवाइज यू कैन टेक अ नॉर्मल वाटर ऑल्सो, ऐसा कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। और क्या क्या है, कितना लिया आपने ये? ये एक डब्बे से थोड़ा कम लेना पड़ेगा। ओके, सो मतलब 2 कप आप ले सकते हैं पानी। और ये अब आपने नमक लेना पड़ेगा हिसाब से, नमक लिया है स्वाद अनुसार, वाइट पेपर भी डाला है, एरोमेटिक पाउडर, और ये एरोमेटिक पाउडर है, एरोमेट पाउडर बोलते हैं, हल्का सा शुगर डाला है, मीठा, क्या बात है। इसके बाद चिली सॉस, चिली सॉस, सोया सॉस,
क्या बात। ये ड्राई वाला बना रहे हैं, इसमें अगर थोड़ा और पानी डाल दे तो ग्रेवी वाला बन जाएगा। अभी हो गया, एक ये पनीर डाल देता हूँ। ये पनीर भी डाल दिया, क्या आप। वेरी सिंपल रेसिपी, बहुत सिंपल है। और ये अब आप इसे थिकनेस के लिए, अब आप इसमें कॉर्नफ्लावर डाल दें ड्राई के लिए। ये इसे ड्राई करने के लिए आप कॉर्नफ्लावर डालेंगे। हल्का सा डालना है। वो वो क्या लग रहा है यार। ओए आग लग गई, आग लग गई, बता दो। दो स्प्रिंग अनियन डालना है। अच्छा स्प्रिंग अनियन भी डालना है, ओके। नाइस। जो कांदा पत्ता और ये ऊपर का जो पत्ता है वो डालना है ना स्प्रिंग अनियन। क्या बात है, क्या बात है। आग लगा रही है अपने, आग अभी हो गया है, बन गया शेव, आग लगा रहे हैं, बन गया। सो नाउ माय मंचूरियन ड्राई इज ऑलमोस्ट रेडी, प्लेटिंग की बारी है, ओके। डालिए सर, शेफ गो फॉर इट। क्या बात है, थोड़ा ऊपर ले लो। वाओ, हियर वी गो, लुक एट दिस, दिस इज रेडी। और ये क्या फूल भी लगा दिए इन्होंने, और क्या है, अच्छा गाजर का भी फूल है, मूली का फूल है, और ये मुझे कबूल है। ओके, बहुत ही सुपर बना है शेफ संजय, राइट। yes, संजय आइए यार, आपकी यहाँ पे प्रचार करेंगे। सो दिस इज शेफ संजय, इन्होंने अपनी रेसिपी शेयर की। कितने साल से बना रहे हो आप? 2 साल से। 2 साल का एक्सपीरियंस अब आपके किचन में आ गया है। दिस इज रेस्टोरेंट स्टाइल वेज मंचूरियन, पनीर मंचूरियन ट्राई, एंड इसे करना है आपको ट्राई। एंड किचन को अभी फिलहाल करते हैं गुड बाय, क्योंकि मैं अभी इसे खाऊंगा और आपको बताऊंगा इसका स्वाद कैसा है। बट यस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल माय काइंड ऑफ प्रोडक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। शुक्रिया करना चाहेंगे संजय, थैंक यू सो मच वंस अगेन। सो गाइस, यू आर वाचिंग अब खुलेगा रहस्य, और यहाँ पे मैं हूँ गोविंदास वेज स्ट्रीट रेस्टोरेंट में। एंड दिस इज़ द ब्यूटिफुल एसी सेक्शन। एक्चुअली इन्होंने डेकोर बहुत ही खूबसूरत बनाया है, ओके। एंड अगर आप ये पनीर मंचूरियन ड्राई ऑर्डर करते हैं तो आपको तकरीबन 215 to 220 रुपीज़ देने होंगे। बट आई मस्ट अप्रिशिएट के जो क्वांटिटी है इन्होंने काफ़ी अच्छी दी है। दी आर लॉट ऑफ पनीर, आराम से 2 लोग तो खा ही सकते हैं। और चलिए इसका स्वाद कैसा है ये मैं आपको बताता हूँ। आ करो, मैं खाता हूँ।